दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब स्थित मानसा में एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरना चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, कल वह समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब स्थित मानसा में निर्मल भंगू के परिवार वालों ने निर्मल भंगू के द्वारा खरीदी गई PSL की प्रॉपर्टियों को उसके परिवारों ने गलत तरीके से चोरी छिपे बेचने जैसे कार्य चालू कर रखे थे, जिसकी शिकायत पंजाब स्थित भारतीय जनलोक सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कई बार सरकार को लिखित रूप में अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की, जिसको लेकर निवेशकों ने एक अनिश्चितकालीन का भूख हड़ताल धरना रखा हुआ था, जिसमें भारतीय जनलोक सेवा दल के महानायक परम महेंद्र पाल दामगढ़ जी 7 दिन तक भूखे प्यासे अनशन पर बैठे रहे। इस बीच उनकी 2 बार तबीयत खराब हुई, वो भी हमने आपको अपने वीडियो के द्वारा दिखाई। दोस्तों, हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स निवेशक साथियों का हमारे स्ट्रीम न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर एक पल पल की खबर इस वक्त जो पंजाब में इस वक्त कार्यगुजारी कर रहे हैं हमारे पल्स कार्यकर्ता क्रांति भाई, उनकी हम आपको पल पल की सूचना देते रहते हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो पर बने रहें, ताकि आपको पता चले कि ये जो अनिश्चितकालीन का धरना था, ये किस आश्वासन पर इसको स्थगित किया गया। जी हाँ दोस्तों, इसको तोड़ा गया और किसके द्वारा तोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, वहां के CED द्वारा एक बड़े आश्वासन के बाद ये धरने को स्थगित किया गया। चलिए दोस्तों, पूरी खबर क्या है हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारतीय जन लोक सेवा दल के महानायक महेंद्र पाल दामगढ़ जी ने 7 दिन तक बिना खाए पिए भूख हड़ताल पर बैठे रहे। आखिर 8वें दिन प्रशासन को झुकना पड़ा। CED द्वारा उनको भूख हड़ताल से उठाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, शरबत का गिलास के द्वारा उनका भूख हड़ताल का अनशन तोड़ने के लिए दिया गया। लेकिन दोस्तों, महेंद्र पाल दामगढ़ जी ने जो कहा दोस्तों, वो बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात कही। उन्होंने सीधा कहा कि DC साहब, हमको जहर दे दो या हमें इंसाफ दे दो। तो दोस्तों, ये दूसरा लफ्ज उनका ऐसा था कि दिल को झंझोड़ गया कि या तो इंसाफ दे दो या हमें जहर दे दो। तो शरबत का प्याला DC साहब के हाथ में जो था, वो कुछ देर के लिए रुक गया, क्योंकि दोस्तों महेंद्र पाल दामगढ़ जी कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं, एक पहुंची हुई हस्ती हैं, और ओवर एज होने के साथ साथ उनकी इस वक्त भूख हड़ताल की वजह से हालत कितनी खराब हुई थी, ये आप लोगों को हम दिखा चुके हैं। तो दोस्तों, उन्होंने जिस वक्त ये अल्फाज कहे कि या तो हमें इंसाफ दे दो या हमें जहर दे दो, तो दोस्तों वो समय ऐसा था कि जैसे बिजली आसमान से तड़की और जमीन में आग धसी हो। आगे खबर ये है कि 7 दिन की एक लंबी लड़ाई जो भूख हड़ताल पर लड़ी गई, तो दोस्तों उसको ED द्वारा आकर आश्वासन दिया गया, सॉरी दोस्तों, CED द्वारा आकर आश्वासन दिया गया, और जो रजिस्ट्रियां हो गई थी उनको रद्द करने को, और जितनी भी जमीन उर्द-खुर्द की गई उसको सबको वापस लाने के लिए एक बड़ा आश्वासन दिया गया। जब जाके महेंद्र पाल दामगढ़ जी ने वो शरबत का गिलास लेकर अपना अनशन तोड़ा, तो दोस्तों हम ये बता रहे थे आपकी कि संगठन नो में इस वक्त कितनी मजबूत है, जो प्रशासन को भी हिला देते हैं और प्रशासन को भी झुका देते हैं। तो दोस्तों, हमारी आप लोगों से ज्यादा यही कहना है कि 49,000 की इस लूट को अगर आपको अपना पैसा पाना है, तो आप लोगों को संगठनों का साथ देना पड़ेगा, संगठनों के साथ चलना पड़ेगा। दोस्तों, ये कोई आपसे खजाना नहीं मांग रहे, आपसे दौलत नहीं मांग रहे, केवल आपको जहां पर भी इनकी मीटिंग होती है या कोई भूख हड़ताल होती है या कोई धरना होता है, तो वहां पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, तो दोस्तों आपका पैसा मिलना 100% सुनिश्चित है। अन्यथा दोस्तों, बिखरे रहोगे, घर में पड़े रहोगे, तो आपको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलनी।
तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज आपको एसटी न्यूज चैनल से दी जा रही है, और आगे भी जो भी न्यूज आपको देंगे दोस्तों वो जैनवैन और सही न्यूज देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।